हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां। बूंदों सी मैं निर्मल, जीवन में दल दल खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां। जीवन में दल दल हिलता है फिर भी कमल। ये हार है रमा भाई, बहुत कीमती, रख लो। I just hate this place। मैंने तो ये भी सुना है कि यहां बार गर्ल्स रहती हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम इस माहौल में रहो। What nonsense? नॉनसेंस वॉनसेंस किसी और को बोलना। हाँ आनंद, मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती हूँ मेरी माँ के बारे में। मैं आपको संभालू माँ, आज शाम को तुम्हारी शादी। अपने आने वाले कल को संवारना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हम अपने आज को तो नहीं भूल सकते ना मानव। मैंने माँ बाबूजी की बातें सुनी, ये सच है कि बेटी का ब्याह टूट जाने पर बाप दुखी हो जाता है, लेकिन क्या ये जानकर बाप खुश हो सकता है कि उसकी बेटी को बहू का दर्जा तो मिला लेकिन पति का प्यार नहीं। मैं मानती हूँ मानव, शादी की बुनियाद सिर्फ प्यार नहीं होता, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि प्यार के बिना कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। अगर पति पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग ना हो, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट ना हो, तो कोई भी शादी कामयाब नहीं हो सकती। एक बार अपने आप से पूछ कर देखो, क्या तुम सही मायनों में समझ पाए हो अनीता को? क्या वो पूरी तरह समझ पाई है तुम्हें? कभी कभी एक छत के नीचे सारी जिंदगी बिताने पर भी पति और पत्नी अजनबी ही रह जाते हैं, क्योंकि उस रिश्ते में प्यार नहीं समझौता होता है। मानव, तुम जो भी फैसला करो दिल से करना, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिमाग गलत हो सकता है लेकिन दिल की आवाज कभी झूठी नहीं होती। बोलो मानव, तुम्हारा दिल क्या चाहता है? कमल, तो फिर अब जो भी करना है तुम्हें ही करना है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इस घर में एक और तृप्ति मत लाना। हेलो। हेलो मानव। अनीता तुम? अच्छा हुआ तुमने फोन किया, तुम घर पर ही रुकना, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अगर तुम थोड़ी सी भी देर करती तो। मानव मैं कभी देर नहीं करती और ना ही कभी करूंगी। अनीता मैं तुम्हारी जल्दबाजी को समझता हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जल्दबाजी में उठा हुआ हर कदम सही नहीं होता। मानव हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं और आज शादी के दिन तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। मानव तुम ये भी जानते हो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और फिर भी तुम। अनीता लेकिन मैं तुमसे प्यार। नो मानव, आगे कुछ मत बोलना प्लीज, ये बात मैं समझ चुकी हूँ लेकिन शायद सुन नहीं पाऊंगी। शादी सिर्फ एक लड़के लड़की का रिश्ता नहीं है, दो परिवारों का भी रिश्ता होता है जो मेरे ख्याल से बहुत पहले जुड़ चुका है। बस एक रस्म बाकी है जो कुछ ही देर में पूरी हो जाएगी। अनीता प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई होप पापा ने जो तुम्हारे लिए सूट भेजा है वो तुम्हें अच्छा लगा होगा। अनीता मेरी बात तो सुनो। जरूर सुनूंगी लेकिन शादी के बाद। अनीता बाय मानव।
सत्या, सत्या तूने कहीं माँ या तृप्ति भाभी को देखा है? नहीं मैंने तो नहीं देखा, यही कहीं होंगी। आप जल्दी तैयार हुए ना? हाँ, मैं आता हूँ। चाचा जी। हाँ बेटा बोलो। चाचा जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। वही ये शादी में अरे मैं अभी वहीं से आया हूँ भाई। अभी तक तैयार नहीं हुए भाई। कम ऑन कम ऑन भैया, कम ऑन कम ऑन, फास्ट फास्ट, 2 मिनट। मानो भैया ये लेटर आपके लिए। किसने दिया? पता नहीं कोई बाहर दे गया था, बोला कि मैं आपको दे दूं। ठीक है जाओ। मानव, मैंने तुम्हें पहले ही बताना चाहा था अपने बारे में। जिंदगी में कोई भी कदम उठाने से पहले ये जानना जरूरी है कि जिसके साथ जिंदगी गुजारने के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में सब कुछ जानते हैं या नहीं। मानव, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं मगर हम दोनों का बैकग्राउंड अलग अलग है। समाज में हम दोनों की जगह, स्टेटस बहुत अलग अलग है। मेरी पहचान, मेरा माहौल, मेरे रिश्ते, सभी कुछ तो अलग अलग है। मैं बहुत छोटे और साधारण घर की लड़की हूँ मानव। क्या तुम्हारा परिवार मुझे अपना पाएगा? मेरे बारे में सब कुछ जानकर भी अगर तुम मुझे अपनाने को तैयार हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। चिट्ठी भेज दी? हाँ चिट्ठी। आपको कैसे पता चिट्ठी के बारे में? वो तेरी टेबल साफ करे थी ना, तो वहां लिफाफा देखा था। जवाब का इंतजार कर रही है। इंतजार था लेकिन अब शायद। कमल, मानव, मानव तुम यहां? कमल मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब मैंने तुमसे शादी के लिए कहा था तो तुमने यही जवाब दिया था ना कि मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानता। आज सब कुछ जान लेने के बाद मैं तुम्हारे पास आया हूं। मानव, और तुमसे शादी करना चाहता हूं और ये शादी हमें आज ही करनी होगी, अभी। अभी? हाँ कमल। मेरे माँ बाप मेरी शादी अनीता के साथ आज ही करवाना चाहते हैं। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनकी मर्जी के बिना? मैं सब संभाल लूंगा कमल, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पेरेंट्स? अगर तुम्हें लगता है कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो सही है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। कमल, तुझे ऐसा लड़का मिला है जो तेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी
तुझे अपनाना चाहता है, जो तेरी खातिर अपनों से भी लड़ पड़ा। तुझे इसका साथ देना चाहिए बेटा। तुम्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आंसू क्यों? कुछ नहीं बेटा, काश ये आंसू खुशी के होते। तुम तो जानती हो कि मानव किसी और से प्यार करता है, फिर भी। मॉम, कुछ लोगों को खुशियां यूं ही मिल जाती हैं और कुछ लोगों को छीननी पड़ती है। मैंने जो चाहा वो मैंने हासिल किया और मैं अपनी तरह से अपनी जिंदगी, अपनी चाहत सवार कर रखूंगी। देख बेटा, आज से तू नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। आज तक हमने तुझे बहुत सहेज कर, बहुत संभाल कर रखा। हमारी बुराइयों का साया तक तुझ पर नहीं पड़ने दिया। मेरी परवरदिगार आलम से ता जिंदगी यही दुआ रहेगी कि तेरी जिंदगी में कभी बुरा वक्त ना आए। वक्त को मैंने अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है और मुझे यकीन है आज कैसा भी हो कल वो अतीत बन जाएगा और मैं उस अतीत को मिटा दूंगी, भुला दूंगी। देख बेटा, अतीत को भुलाया नहीं जा सकता। जो बात बरसों हमने तुझसे छुपा कर रखी वो मेरी ही वजह से तेरे सामने आ गई, लेकिन मैं चाहती हूं कि अब मेरी ही वजह से तेरी जिंदगी में खुशियां आ जाए। जो दरवाजा तेरे लिए आज खुला है ना, मैं नहीं चाहती उससे गुजरने में तू एक पल की भी देर करे। कहीं ऐसा ना हो कि रीटा और रमा दीदी के इंतजार में ये दरवाजा ही बंद हो जाए। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैं जानती हूँ मॉम, पर अब वही मेरा घर है। तेरे बिना ये घर बहुत सूना लगेगा बेटा, फिर भी दिल कहता है कि तू हम सबको भूल जाना। दिल के उसी कोने से लेकर डर लगता है कि तू हमको कहीं भूलता नहीं जाएगी। कैसी बात कर रही है मॉम? आपने और डैडी ने मेरे लिए जो कुछ किया मैं कैसे भूल सकती हूँ? कैसे भूलूंगी अम्मी, कैसे भूलूंगी? जिंदगी भर किसी और ने दी, गले लगाना आपसे सीखा है मैंने। जब तक जिंदा रहूंगी आपको याद रखूंगी अम्मी। मेरे गले से लिपट के आंसू यूं बरसा, तुम अपने घर जा रही हो, हंसती हुई जाना। जग से बढ़कर सबसे है सुंदर तेरी पिया का महल। नमो नारायणाय स्वाहा, ओम गणेशाय नमो स्वाहा, ओम भगवान श्री हरि विष्णुए स्वाहा। कन्या को बुलाइए।
वर को बुलाइए। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, आप जल्दी वर को बुलाइए। आखिर मानव गया कहाँ? इधर ही होगा कहीं। अरे इधर उधर कहाँ, समय बीता जा रहा है, मुहूर्त बीता जा रहा है। मैं यहाँ कमल है, आपकी बहू। मानव, ये सब क्या हो रहा है? चलो तुम यहां क्यों खड़े हो? सब लोग रुके मानव, चलो। अनिता, तुम जिद क्यों हो रहे हो? चलो ना मानव, देखो हम पंडित जी रुके, सब रुके, चलियो। अनिता मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुना। आज हमारी शादी हो, तुम इस लड़की के साथ क्या करो? निकलो से बाहर, चलो ना। अनिता, for God's sake! Kamal is my wife. शादी कर ली, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर दीजिएगा भाटिया साहब, एक्चुअली मुझे भी पता नहीं है क्या हो रहा है। शुक्रिया जयंत, तुम्हारी इस खातिरदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनीता, कमल, कमल, कमल बेटा कहाँ है तू? अरे किधर गया? अपुन अंदर जाकर देखता है, जरूर पढ़ रहा होगा। शबो, कमल कहाँ है? मैं ना उसके लिए मावा मिठाई लेकर आई हूँ। अरे दीदी, वो तो अंदर भी नहीं है, किधर गया? शबो, तू वहाँ क्यों चुपचाप खड़ी है? कहाँ है कमल? वो चली गई। चली गई कहाँ? अब अपने ससुराल। Thank you.